बस फाइनली हम शिवपुरी धाम पहुंच चुके हैं और व्यू भी काफ़ी अच्छा है और सुबह भी हो चुकी है। आप देख सकते हो काफ़ी ही सुंदर सा नज़ारा देखने में। ये थोड़ा सा खेत वेत बना रखा है इन्होंने, टाइप जोत रखे हैं। मंदिर काफ़ी मतलब कि वैसा लग रहा है कि हाँ हिस्टोरिक टाइप का बना रखा है। शायद ये न्यू मंदिर अभी बन रहा है, बाकी काफ़ी अंदर जाके देखते हैं कि कैसा क्या रहता है, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर मैं शिवलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 108 शिवलिंग हैं और अंदर की ओर और ज़्यादा ही हैं, वो भी स्वास्तिक से। तो फटाफट हम अंदर के चलते हैं, क्योंकि ये अभी जो अगर मैं शिवलिंग की बात करूँ तो ये जितने भी कपड़े में, क्योंकि अभी ये मंदिर जो है वो रेनोवेट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस वजह से इसको अभी काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है। इस वजह से जितने भी शिवलिंग है वो कवरअप किए हुए हैं। तो फटाफट मुँह हाथ धो के फटाफट हम अंदर की ओर जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये है शिवपुरी धाम, जो कि हमारा ये कोटा बाईपास के पास पड़ता है, मतलब कि हाईवे से थोड़ा सा ही अंदर पड़ता है ये, 10-12 किलोमीटर के आसपास है मेन हाईवे से। तो ये कुछ मंदिर के अंदर का नज़ारा है। जब हम पहुंचे थे तो उस वक्त आरती हो रही थी, तो हमने पहले आरती को सुना, उसके बाद हमने मतलब फ़ोन वोन उठा के फिर ब्लॉक, क्योंकि भाई पहले भगवान के अगर द्वार आए, अगर आरती हो रही है तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने पहले आरती वगैरह सुन ली। उसके बाद हम यहाँ पे जल वगैरह डाल के सब चीज़ पूजा वगैरह करके देन फिर आराम से हम आपके लिए ब्लॉग्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा शिवलिंग है जो कि हर, अगर इस शिवलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल जितने भी 108 शिवलिंग जो थे वो यहाँ पे हैं, और ये एक आकार से है बनाया गया है जो कि काफ़ी ही सुंदर। इधर माँ गौरी की प्रतिमा थी, तो काफ़ी ही मतलब कि अच्छा लगा और काफ़ी ही मतलब एकदम शांति थी, मतलब अच्छा लगा यहाँ आके, मतलब मन एकदम अच्छा लग गया एकदम। अगर हमने थोड़ा सा आगे गए तो मतलब कि काफ़ी ही मतलब कि एक ब्यूटी जो होती है वो काफ़ी ही सही थी मंदिर की, मतलब यहाँ पे जो कि अभी थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जैसे है कि वो चल रहा है। तो यहाँ पे ये हवन कुंड है, तो यहाँ पे मतलब कि सारा जो भी हवन वगैरह है वो यहाँ पे होता है। तो मेनली जो यहाँ पे जो मेन कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे वो स्वास्तिक की शिवलिंग बनाई जा रही है। स्वास्तिक जितने भी शिवलिंग हैं टोटल, मतलब कि इसमें भी अराउंड 108 के आसपास होंगे शिवलिंग, कि पूरा एक स्वास्तिक सा बहुत ही ज़्यादा बड़ा एकदम लगता है देखने में। तो इधर कुछ जो शिवलिंग थी वो हम देखते हुए आ रहे थे, और इधर हमारी गणेश जी के वो थे, और इधर भी हमारा जो था वो शिवलिंग, देख लो आप कितना ही प्यारा और कितना ही भव्य मंदिर लग रहा है ये देखने में, मतलब कि काफ़ी खूबसूरत। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं, तो फाइनली अब हम यहाँ से जो निकल चुके होते हैं, ये हम अब जा रहे हैं हमारे तो गलाडियस शिव मंदिर है, हम उसके निकल चुके होते हैं। ये काफ़ी रास्ता जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, मतलब प्रीमियम यहाँ पर रोड की क्वालिटी अगर मैं की बात करूँ तो काफ़ी ही। तो गाइस हम लोग महादेव के मंदिर आए थे, बट यहाँ पे जब हम पहुँचे तो रास्ता थोड़ा सा मतलब जंगल टाइप था, सफारी जैसे करते हैं उस टाइप का था, बट फिर भी हम अंदर ले आए। बट यहाँ तो हमें कोई भी महादेव का अभी तक मंदिर दिखा नहीं है, और जो यहाँ की लोकेशन है यहाँ तो ऑफ रोडिंग व्हीकल आती थी, बट हमने टाटा की ही सेडान को ऑफ रोडिंग व्हीकल बना के हम यहाँ तक पहुँचे हैं कैसे कैसे। बट अब देखो मंदिर तक हम पहुँच भी पाते थे, आपको ये एरिया दिख रहा होगा कि ये कैसा है, कोहरा ही कोहरा, कोहरा जंगल ही जंगल है पूरा। चंबल की घाटी है जो कि यहाँ पे डाकू वगैरह रहा करते थे कभी बहुत पहले, तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा चंबल की घाटी। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे शॉट्स लिए, काफ़ी अच्छा है, आप भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। 140 पर पर्सन का इसमें टिकट है, अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तब आपको 400 रुपये गाड़ी के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ये काफ़ी ही अच्छा व्यू, आप कभी अगर कोटा आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आओ और आप इस चीज़ को विज़िट करो और एक्सप्लोर करो, काफ़ी ही प्यारा और प्रीमियम। यहाँ पे कभी चंबल के डाकू रहा करते थे, जो कि अब देख सकते हो
रिवर वगैरह भी, बट यहाँ पे आपको नेटवर्क जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं नेचर के व्यू की बात करूँ तो व्यू तो काफ़ी ही अल्टीमेट है, मतलब कि जितना मैं कैमरे में नहीं बता पा रहा या मैं जितना मैं वीडियो में कवर अप नहीं कर पा रहा उतना रियल में इतना ही ज़्यादा ये खूबसूरत है। आप कभी यहाँ पे आओ, टाइगर रिजर्व के भी नाम से ये फेमस है और या फिर गराड़िए महादेव टेम्पल के भी नाम से ये फेमस है। यहाँ पे मतलब कि थोड़ा मतलब अंदर अगर हम आए, बट उस टाइम तो कोई था नहीं जो हमें टिकट के बारे में बताता, बट अंदर आने के बाद एक पुलिस वाला या कह सकते हैं एक आर्मी वाला आता है जो कि इसके अंदर ही रहता है। देन वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी का जो है वो 400 रुपये का अलग से है, देन 140 पर पर्सन वो अलग है। तो 140 तो वन पर पर्सन तो वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट गाड़ी के 400 रुपये काफ़ी ज़्यादा था। और गाड़ी हम लोग ज़्यादा अंदर तक लेके नहीं आए वो इस वजह से क्योंकि यहाँ के आप पत्थर वगैरह देख सकते हो वो काफ़ी ही ज़्यादा टच होते थे, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहीं पे हमने और भी गाड़ियाँ अपनी भी खड़ी कर दी। और अगर मैं व्यू की बात करूँ तो व्यू ही काफ़ी ही अच्छा है, हमने काफ़ी सारे फोटो वगैरह भी क्लिक करे। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो, प्रिंस विक्की कुमार सिन्हा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और विक्की सिन्हा ब्लॉग के नाम से पेज भी है। मैं जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। उज्जैन की ब्लॉग बहुत ही इसके बाद ज़रूर ही आने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को डू सब्सक्राइब। तो अगर मैं व्यू की बात करूँ तो व्यू तो काफ़ी ही अच्छा आपको दिख रहा होगा, कितना प्यारा है, मतलब कि नेचर जो है वो प्रकृति राजस्थान में तो काफ़ी ही भरी पड़ी है, मतलब कि अल्टीमेट फील जो हो रहा है काफ़ी ही अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। अब चलते हैं फटाफट नीचे दर्शन करते हैं महादेव के। बस 10 मिनट में निकल रहे हैं हम यहाँ से। और इधर और भी है कुछ घूमने के लिए? नहीं बस यही है, बस ये आप टिकट लग रही है महादेव जी का। चलते हैं पहाड़ के नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो घंटी और यही जो है यही गराड़िए महादेव का टेंपल है, इसी के नाम से ये जाना जाता है या फिर टाइगर रिजर्व के भी नाम से ये जाना जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मंदिर है और काफी ही नीचे जाके है, मतलब पहाड़ के नीचे जाके है, मतलब हम उस टाइम तक पहाड़ के काफी ऊपर थे, बट अब आप व्यू देख सकते हो नीचे से कितना खूबसूरत लग रहा है, जबकि धूप वगैरह भी उतनी कुछ खास निकली नहीं है। अगर सन में होती तो और ही ज्यादा इसकी खूबसूरती या फिर आप नेचर से आप कह सकते हो कि मतलब काफी ही प्यारा और दिखता वो चीज, मतलब जितना आप कैमरे में नहीं देख पा रहे उतना रियल में काफी ज्यादा। तो ये कुछ पहाड़ से अपने आप ही पानी गिर रहा है, इसका कुछ नहीं पता कहाँ से कितना, तो ये पहाड़ के अंदर से ही ये चीज पानी जो था वो गिर रहा है। गर्म है पानी। तो जो पानी था वो काफी ही ज्यादा गर्म था, मतलब कि सही था, मतलब कि बिल्कुल हमें लगा कि ठंडा है, बट हमने जब छुआ तो वो पानी काफी ज्यादा गर्म था और यहाँ से व्यू काफी अच्छा है। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे नहा लेते हैं और नहा के हम लोग फिर ऊपर की ओर जाते हैं। हाँ उज्जैन हम लोग नहा चुके हैं, अब वही जो झरना था हमने उसी में नहा और काफी ही मजा आ गया उसमें। तो अब लोग हम यहाँ से सोच रहे हैं कि उज्जैन सीधा निकलते हैं, तो देखो अभी क्या बातचीत होती है तो वो आपको वीडियो में तो पता चल ही जाएगा। बाकी अगर मैं नजारा तो अल्टीमेट है भाई, मतलब कि यहाँ पे डाकुओं का राज हुआ करता था, चंबल की घाटी इसको कहते हैं, जहाँ चंबल के डाकू रहते थे। तो मतलब इतनी प्यारी भाई जगह और काफी ही मतलब जिसे पसंद आ जाए एक बार में वैसा है, काफी ही प्रीमियम देखने में भी लगता है और काफी ही खूबसूरत है। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर अपनी गाड़ी की तरफ। रास्ता ये अमित भाई जा रहा है और गाड़ी का 400 रुपये महंगा है वैसे तो। अगर टाइगर वगैरह देखने को मिलते हैं ना तो भाई व्यू तो काफी ही अच्छा है, बट यहाँ के जो प्राइस है वो एक घंटे में 1000 रुपये लग गई, 100
40 रुपए के आसपास एक बंदे का, 400 रुपए सिर्फ अकेली गाड़ी का लिया है, जबकि बहुत ही ज्यादा, जबकि गाड़ी भी अपना, पेट्रोल भी अपना, सीएनजी भी अपना, सारा कुछ अपना है, फिर भी उसके बाद भी। अब जो है हम सब यहाँ से निकल चुके होते हैं, वो भी सीधा उज्जैन के लिए। तो पहले क्योंकि हमने टिकट वगैरह कटवाई नहीं थी, तो अभी हम पहले टिकट के पेमेंट वगैरह कर देंगे, उसके बाद फिर हम फटाफट उज्जैन के लिए निकलते हैं। तो गाइस आज हम ऑफ रोडिंग करी है टाटा के टिगोर से, जो एक सेडान सेगमेंट की गाड़ी आती है। लोग कहते हैं कि एसयूवी से सिर्फ ऑफ रोडिंग हो सकती है, बट हमने तो अच्छा खासा ऑफ रोडिंग सेडान से करा है, जो कि काफी ही, मतलब कि टच भी नहीं हुई है, बस एक आध जगह टच थोड़ी बहुत हुई है जहाँ पे, बाकी ऐसा कोई भी हमें इशू देखने को नहीं मिला है इस गाड़ी के साथ। मतलब काफी अच्छा इसने दिखाया है अपना, मतलब कि जो इसका व्हील बेस है वो। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करूं तो वो ठीक है, ओके ओके सा है इस गाड़ी में। तो अब हम सब यहां से निकल चुके होते हैं और हमने श्रीधरपुरम भी घूमा और चंबल की घाटी भी घूमी, जहाँ की डाकुआ को रखते थे, और काफी ही ज्यादा खूबसूरत नजारा भी देखा आपने, और हमने तो खैर देखा ही। ये ब्लॉग अब हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग आपको उज्जैन का देखने को मिलेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही आप सपोर्ट बना करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।